यही बस अच्छी चीज है जो कि एक प्रसन्नता देती है मन को, बिल्कुल खुशी हो जाती है। मेरी गाई मैं तुम्हारी अभी अपलोड कराओ कल तवांग। हेलो गाइस, दिस इज वेदांत कौशिक, यू आर अगेन एट वेदांत कौशिक व्लॉग्स। सो टाइम हो गया है 1:47, दोपहर हो गई है बिल्कुल। आज परेड मेरी थी नहीं तो मैं गया नहीं, और सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरा फेस है इसको डिटॉक्स कैसे किया जाए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, टैनिंग जम गई है बिल्कुल, और हटने का नाम ही नहीं ले रही यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है जस्ट लाइक कि हम कहते हैं कि होम रेमेडी, तो उसी का यूज़ अभी हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या मतलब मैं वो यूज़ करके कैसा लगता हूँ, और उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं यह भी देखेंगे हम। और मेरे साथ ही रहो, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। सो गाइस, हम लौट आए हैं और मैंने अपने फेस पर टैनिंग से बचने के लिए एक होम रेमेडी लगाई है छोटी सी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुल्तानी मिट्टी आती है और हर राशन वाले पे मिल जाती है, वो मुल्तानी मिट्टी लगाकर उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालकर, और वही लगाया है। हफ्ते भर में, दो हफ्ते में मैं लगा लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत राहत मिल ही जाता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये यूज़ करें, जिससे कि बाहर के जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें केमिकल होते हैं, अगर आप केमिकल फ्री यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आप नहीं चेक करते कि उनमें केमिकल है कि नहीं, तो प्लीज़ चेक किया करो और बाहर के प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ किया करो। घर की होम रेमेडी सही रहती है, मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें हल्का सा एलोवेरा जेल डालकर या गुलाब जेल डालकर आप उसे लगा सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें और भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग कॉफ़ी डालते हैं और शहद भी डालते हैं, जिससे कि और ज़्यादा आई थिंक बढ़िया हो जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। सनलाइट में मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि क्लियरिटी एकदम अच्छी आती है और आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं। फेस वॉश कर लूँगा क्योंकि मेरे को बहुत अब टाइट लगने लगा है, बहुत टाइटनिंग होने लगी है जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और जल्दी से मुझे फेस वॉश करना है, तो बस थोड़ी देर और ये मुझे झेलना पड़ेगा। देखेंगे कि फर्क आता है कि नहीं या कुछ फायदा पड़ा कि नहीं। सो गाइस, वी आर हियर एट आकाश घर, और हम आकाश के तो भाई हम आकाश के घर पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट हमारा था कि मैंने चेहरे पर लगा रखा था अपना बनाया हुआ होम रेमेडी, तो अब मैंने उसको लगाया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा निखार आया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, शायद हल्का सा आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, एज अ टाइम पास मैंने मान लिया उसे। और हमें पता पड़ा है कि हमारी वीडियोस पर यार कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए वो प्रोसीजर है जो कि हमारे एडिटर साहब आकाश को पता है, वो करने आ रहे हैं। तो हम आपको जरा दिखाते हैं, जरा छांव और प्रकाश डालते हैं आकाश पर, जो कि खुद ही एक आकाश है, उस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो आप देखिए जरा। तो यार हमारी वीडियोस पर ना क्लेम आने के बाद चार क्लेम आने के बाद नया आईडी पासवर्ड दिखाता हूं। अच्छा चलो। हाँ भाई आकाश, बताएं यार क्या परेशानी, कॉपीराइट आ रहे हैं यार, ये तो बहुत गलत बात है। तीन वीडियो पे पहले पड़े थे, अब आज वाली पे भी आ गया है। अरे चलो कोई नहीं, हटा देंगे। ये बहुत कुशल है ये आकाश भैया हमारे, ये कॉपीराइट क्या ये इंसान को हटा दे। आज वाली वीडियो पे कॉपीराइट, अब कॉपीराइट के चक्कर में वीडियो ना डिमोनेटाइज हो जाएगी, मतलब वीडियो जनरेट नहीं करेगी अपनी। पर सही साइज से रिलेटेड तो ठीक है, देते हैं सॉन्ग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये चौथी वीडियो है जिस पर क्लेम आया है, पहले तीन पे भी आ चुका है, तो तीन का तो हटा दिया है इन्होंने। हाँ यार बड़ी चिंता हो जाती है मेरे को, एकदम ऐसा पथरी का दर्द उठ गया, ऐसा सा कलेश लगता है मेरे को जब कॉपीराइट वगैरह आता है। बहुत सारे साउंड कौन चला रहा हूँ, सभी लगाते हैं यार, बढ़िया सा ये सही है, लगा दो। ये वो साउंड से एडिटिंग में लगा दूँ, कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। यार मैं ढूंढता हूँ कॉपीराइट विदाउट कॉपीराइट सॉन्ग्स या बीजीएम, तो साले यही आते हैं और इनको लगा दिया तो कॉपीराइट आ रहा है, तो पता नहीं क्या घोटालाबाजी चल रही है। 5:11:05। तो यार जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारी वीडियोस पर क्लेम आ रहे हैं, तो वो क्लेम से हमने निजात पाने के लिए आकाश भैया के पास कॉन्टेक्ट किया कि भैया एडिटर साहब हमारे क्लेम्स को हटा दो कैसे भी करके अपनी कुशलता से।
आप बहुत कुशल हैं, तो उन्हीं की हमने हेल्प ली। अब उससे निजात पाने के बाद हमने क्लेम एकदम शॉर्ट आउट कर दिए, हटा दिए हैं, अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वहाँ भाई दीपक क्या ले रहा है तू? कॉफी ले रहा हूँ भाई मम्मी के। थोड़ा पीछे हो यार, कैमरे में नहीं आ रहा। कॉफी ले रहा है अंकल? कॉफी दे रहे हो आप अंकल? कॉफी ले रहे हो? नहीं खानी चाहिए। ले रहे हो? कौन सी कॉफी है? ब्लू। क्या मतलब इसमें पेड़ प्रमोशन नहीं है? नहीं भाई पेड प्रमोशन देखो, अभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमें खरीदा नहीं है, मतलब यार तू भैया खा जा रहा है प्राइवेट है, तो ये शूट मत करियो। अरे क्या स्वीटी खा रहा है ना तू? अच्छा तू शूट मत करियो यार, ये शूट होगा सब भाई। 5 वाली स्वीटी खा रहे हो? ज्यादा स्वीटी नहीं खाते बच्चे। अरे ये वाला केक तो ब्रिटानिया का, कौन सा केक? मजा आ गया भाई आज, ऐसे ही मजा आ रहा तेरे को? पार्टी दे रहा है भाई अपने को भी शूट करता हूं ना। चॉकलेट वाला तुम ना? हाँ, चॉकलेट। अभी तो हमारी लाइम लाइट भैया हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमको, हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं ये। यूट्यूब पे देखना है? हाँ, यूट्यूब पे। जैसे आप वेदांत कौशिक डालेंगे तो अपने आप आगे ब्लॉग आ जाएगा। आ जाओ अंग्रेजी यही बस अच्छी चीज है जो की प्रसन्नता देती है मन को, दिल को खुशी हो जाती है। मेरी कहाँ आई मैं? तुम्हारी अभी अपलोड कराओ, कल सब आएंगी, कल आएगी सुबह 10 बजे। सोनी जी की वीडियो पड़ी है, सोनी जी की पे कौन सी पे ही? ये वाली ना, अभी वीडियो बनी है सोनी जी वीडियो। तुम भी कुछ बोल लो फिर तुम्हारी भी डाल देंगे। मैडम अपना सब्सक्राइबर बढ़वा रहे थे, तभी दरअसल क्या हुआ कि दीपक को टप्पी मार के भाग गया जतिन, और उसके पीछे दीपक जब भागा उनको है ना ये साइकिल और बैग देकर भाग गया है। हमें सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं कि वो आएंगे। आ गए आ गए आ गए वो आ गए वो आ गए यार आए तो रोड रेज गॉन अराउंड। तो बहुत जोर से मार रहे हो तू भी। अबे एक बात बताओ यार, तुम एक दूसरे मार काहे रहे हो? अरे अरे तुम एक दूसरे को मार क्यों रहे हो यार? अब वीडियो बना के वायरल करूंगा इनकी। अरे वीडियो वायरल हो जाएगी तुम्हारी। भाइयों दीपक वहाँ खड़ा है और मुझे अमूल बटर चाहिए ज़रा। दरअसल हमारे यहाँ आलू के पराठे बने हैं आज, जो कि मैं अमूल बटर से ही खाऊँगा क्योंकि मेरे को पसंद है इसलिए। सो वी आर एट एंडिंग ऑफ आवर टुडेज़ व्लॉग, इट्स 8:59 नाउ एंड अभी मैं अपनी आज के व्लॉग की एडिटिंग करूंगा फिर खाना भी खाना है, उतने में ही टाइम हो जाएगा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, और लास्ट में वही कहूंगा जो रोज़ कहता हूं कि लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। दिस इज अनदर टाइम फाइटिंग विद ईच अदर। आइए जानते हैं इनसे ये ऐसे कुत्तों की तरह क्यों लड़ रहे हैं। आज कौन पिट रहा है?